नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 217 शहरों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रही है। इसमें 17 नगर निगमों के साथ ही सभी 75 जिला मुख्यालय शामिल रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मुहिम में जुट गया है। नगर विकास विभाग ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को भेजे निर्देश में कहा है कि सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाए। विभाग 15 अगस्त से हर शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास के स्थलों, तहसील कचहरी, ब्लॉक कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय और मुख्य बाजारों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि 25 जुलाई को अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का पालन करेंगे। इस बीच उनके उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्रीय कोयला खनन व संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रदेश सरकार में खनन मंत्री व उद्योगपति MR निरानी का नाम आगे चल रहा है। हालांकि जोशी ने कहा है कि उनसे एक बार में अभी तक शीर्ष नेतृत्व के ने कोई बात नहीं की है, जबकि निरानी का ये कहना है कि पार्टी जो भी आदेश देगी वो उसका पालन करेंगे। वहीं कुशीनगर जनपद के विशुनपुरा थाने से एक सिपाही का पिटाई करते मामला सामने आया है, जहां समझौता नहीं करने पर पीड़ित की सिपाही ने थाने में लाठी से पिटाई कर दी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि सिपाही की पिटाई से पीड़ित नरेश बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में पीड़ित को सिपाही ने CSC में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि नरेश की हालत बिगड़ने पर सिपाही ने उसे अस्पताल में ही छोड़कर भाग गया। वहीं मामला संज्ञान में आने पर SP कुशीनगर ने सिपाही पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गोरखपुर में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, निर्माता और वितरक को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर जनपद के निवासी कृष्णा कुमार भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और निर्माता हैं। साइबर थाना गोरखपुर में एक प्रार्थना पत्र देते हुए इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि मेरा एक बचत खाता स्टेट बैंक गोरखपुर में है। मेरे बचत खाते से लगातार 2 दिनों में लगभग 20,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। हालांकि कल निकाले गए पैसे का कोई मैसेज उनके मोबाइल पर नहीं आया, लेकिन 24 तारीख को जालसाजों ने उनके खाते से निकासी की और तभी उसका मैसेज उनके रजिस्टर मोबाइल पर आया है। आपको बता दें कि उन्होंने तत्काल इसकी सूचना कस्टमर केयर को दी और ATM कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग के साथ सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। साथ ही साइबर थाने पर इसकी सूचना भी दे दी गई है। घटना यह घटी कि कल सुबह एक मैसेज आया मेरे पास स्टेट बैंक से कि आपका KYC अपडेट करा लीजिए या खुद करा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं भागा दौड़ की ज़िंदगी है, मैं कर लेता हूँ खुद ही, तो कुछ करना नहीं था। उसमें बटन आया, एक बटन को मैंने क्लिक किया तो मेरा नाम पूछा, मैंने नाम उस पर अपडेट किया। उसके बाद अकाउंट नंबर आया। अमूमन अकाउंट नंबर में कोई दिक्कत तो होती नहीं है, मैंने अकाउंट नंबर डाला और एक OTP आया, OTP को अपडेट किया, देन फिर पासवर्ड मांग रहा था। मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने पासवर्ड डाला नहीं, उसको बैक कर लिया। बैक करने के बाद 2 घंटे के बाद आज मुझे पता चला इसे बैंक से कि 2 घंटे के बाद उन लोगों ने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया, बट उसका कोई मैसेज मेरे पास आया नहीं। आज फिर पैसा उन लोगों ने निकाला 11 बजे के आसपास, सेम अमाउंट, तो मेरे पास मैसेज आया। मैसेज आया तो मैंने अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया तो देखा कि खाते से पैसा काफ़ी निकला हुआ दिख रहा था। तो फिर मैं भाग करके स्टेट बैंक गया तो पता चला सैटरडे को बैंक बंद रहता है। तो मैंने कस्टमर केयर पर फ़ोन किया, वहाँ पर अपना ATM कार्ड, UPI एंड ऑनलाइन जो बैंकिंग चलाते वो सारे चीज़ को मैंने ब्लॉक करा दिया। फिर वहाँ से पता चला कि आपको साइबर क्राइम में जाकर के कंप्लेन दर्ज कराना है, तो वहाँ भी जाकर के तहरीफ मैंने दे दी है, देने के बाद उन लोगों ने। वहीं गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में एक हार्डवेयर की दुकान पर सामान खरीदने गए युवक को 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया और बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना थाने पुलिस को दी गई, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का जायजा लिया और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आगे की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। गोला थाने के अंतर्गत गोपालपुर बाजार में एक युवा की
चाकू से वार करके हत्या किया गया है। परिवार वालों से मैं बात कर रहा हूँ, उनसे तहरीर लेके तुरंत एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और इस पूरा घटना को। वहीं लखनऊ के केसरबाग स्थित सीएमओ ऑफिस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने तबादला नीति को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि प्रदर्शन कर्मियों ने मनमाने तरीके से किए जा रहे स्थानांतरण करने को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। साथ ही ये लोग कई दिनों से सीएमओ ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में महिला स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। 26 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि स्वास्थ्य भवन में सभी लोग इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों को लेकर घेराव करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो इसके आगे हम पैदल चलकर मार्च निकालेंगे और मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपेंगे। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। करते अगली खबर की ओर, सीतापुर जनपद के बाढ़ क्षेत्र एरिया में लगभग 10 दिनों से घाघरा नदी उफान पर है, जिससे ग्रामीणों के घर सहित खेती की जमीन भी बाढ़ में डूब गई है। मगर जिला प्रशासन के द्वारा कागजों पर बाढ़ के लाखों रुपए पता नहीं कहां चले गए। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं कई घर सहित प्राथमिक विद्यालय भी पानी में बह गए, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी काम कराए गए उससे लोगों को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? कुत्तीला। कहाँ रहते हो? यह गाँव में फौजदारपुर। जमीन वमीन कटी है? जमीन सब कट गई, जमीन ना है उस वक्त। अच्छा, फौजदारपुर। हाँ, फौजदारपुर। आपको घर कट गया? हाँ, घरों कट गया। कहाँ रह रहे हो? ये सड़क पर, रोड पर है। कूटेदार गल्ला नहीं दे रहा? हाँ हाँ, गल्ला कूटेदार हमारे काटू ना। वहीं अलीगढ़ के कुआरसी इलाके में पानी के लाइन में लीकेज हो गया। पानी के पाइप लाइन में लीकेज की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नल से लाल गंदा पानी आ रहा है और यही पानी पीकर कई बच्चे बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय लोगों में इस गंदे पानी को लेकर आक्रोश पनप उठा और केला नगर चौराहे पर भारी तादाद में लोग जाम लगाकर धरने पर बैठ गए। इसकी जानकारी जब समाजवादी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं को हुई तो वो भी अपने दल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां सपा के नेता भी लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों समेत नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। हम अधिकारियों से इससे पहले भी कह रहे थे कि जो पानी जो है गंदा पानी आ रहा है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने अवगत कराया था, नगराज्य को अवगत कराया था और क्या क्या मैं जीएमएल को अवगत कराया था। कम से कम पानी इतना गंदा आ रहा है और पानी की कंडीशन ये है। जीएम नल का स्विच ऑफ है, नगराज्य का स्विच ऑफ है और अलीगढ़ के मेयर तो लगता है ऐसे, मुझे अलीगढ़ के मेयर गायब हो गए अलीगढ़ से। उनको कोई जनता की परवाह नहीं है। वोट लेने तक उनको परवाह थी, उनको कोई परवाह नहीं है। कई फोन लगा चुका हूँ, अधिकारियों से कह चुका हूँ, कोई सुनने बोलने के लिए तैयार नहीं है। गूंगी बहंगी बहरी है सरकार, ठोको नीति वाली सरकार, स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ लूटने का काम कर रही है। ये जो अभी हमारे जीवनगढ़ में कुछ साथियों ने, बल्लू भाई ने, लतीफ भाई ने फोन किया कि पानी में खराब पानी आ रहा है, नगर निगम क्या कर रहा है और इतना हैजा फैल रहा है, इनके खिलाफ नगर एफआईआर होनी चाहिए। नगर निगम के खिलाफ और एमएनए के खिलाफ और मेयर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए भाई, कि इन्होंने लूट मचा रखी है यहाँ पर। हाँ करेंगे साहब, मौका लगा तो आज ही एफआईआर। वहीं औरैया के बिधुना कोतवाली इलाके में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। चोरों ने डेयरी संचालक की गाड़ी से लाखों रुपए उड़ा लिए। गाड़ी से लाखों का बैग उड़ाते समय चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयप्रकाश दक्षिणपुरिया के निवासी हैं। इनके द्वारा थाने पर थर्रे दी गई मिधुना में कि कल इन्होंने 2,25,000 रुपए सेंट्रल बैंक मिधुना से निकाले थे और अपनी ओमनी वैन में इनके तीन साथी थे लेकर के जा रहे थे। दिव्यापुर तिराहे पर जब पहुंचे तो वहां पर सौर ऊर्जा की एक दुकान है, वहां पर बैटरी खरीदने के लिए लोग उतरे और पैसे वाला बैग वहीं गाड़ी में ही छोड़ दिया और गाड़ी को लॉक करना भूल गए। इसी का फायदा उठाते हुए वहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पैसे भरा बैग गाड़ी।
वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार गृह जनपद जौनपुर आगमन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री व मुंबई में उत्तर भारतीय समाज के प्रमुख नेता कृपा शंकर सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जनपद के 51 स्थानों पर कृपा शंकर सिंह का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह और विशिष्ट अतिथि गोरखपुर के सांसद रवि किशन शामिल रहे। कृपा शंकर सिंह ने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ भाजपा ज्वाइन किया है, राष्ट्रवाद विषय पर मुझे राजनीति करनी है और भाजपा देश की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी पार्टी है। बताया और पहले भी जब इस्तीफा दिया तो मैंने बताया था, पार्टी से बड़ी राष्ट्र होता है, राष्ट्र बड़ा है हमारे लिए। 5 अगस्त 2019 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने फैसला लिया कि 370 अनुच्छेद 35 ए हटाया जा रहा है, तो करोड़ों देशवासियों ने उनको बड़ा राहत मिली, बड़े प्रसन्न हुए, उत्साह बढ़ा कि आज कश्मीर हमारा है। उसी में कृपा शंकर थे, मैंने अपनी बात कही। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हो, बिल्कुल खिलाफ नहीं बोलता। के साथ रहने वाले दल हैं हमारे नेता, जिनके नाम पर, जिनके काम पर, जिनके चेहरे पर हमने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराया है देश और प्रदेश। रायबरेली में समाधान दिवस पर आईजी लक्ष्मी सिंह हरचंदपुर थाने पहुंची। यहां आईजी ने थाने में बैठकर फरियादियों की फरियाद सुनी। इसके बाद फरियादियों की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया। इसी के साथ आईजी लक्ष्मी सिंह ने कई थानों का निरीक्षण किया और थाने में मिली कमियों को भी दूर करने के निर्देश दिए हैं। थाना समाधान दिवस आज आयोजित किया जा रहा है और शासन के निर्देशन के अनुरूप आज जनपद रायबरेली के दो थानों का निरीक्षण किया गया है, उतने रूगल के भी थानों का निरीक्षण किया गया है। पिछली जितनी भी पेंडेंसी है उसका निस्तारण किया जा चुका है, लेकिन इसकी गुणवत्ता आप रखने। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रशासन की ओर से यह अपील की जा रही है कि लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। शाहजहांपुर में प्रशासन की अपील का असर भी दिखाई दे रहा है। जिन मंदिरों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती थी उन मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तपोभूमि पटना देवकली स्थित भगवान भोलेनाथ के पौराणिक शिवलिंग पर श्रावण मास में कांवड़ियों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता रहा है। इस बार शुक्राचार्य की तपोस्थली में भी कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। इस पौराणिक स्थल पर सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे। मंदिर के महंत का ये कहना है कि इस बार कोरोना की लहर को देखते हुए सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध कर मेले के आयोजनों पर रोक की वजह से इस बार श्रद्धालु मंदिर में कांवड़ यात्रा के साथ जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देशों की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।